आज के सेशन में राजेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी जुड़े हुए भाई बहनों का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आज का हमारे सीरीज का सेकंड सेशन जो है ज्वाला स्वरूप अवस्था योग तपस्या क्या है, तो हम जानेंगे आज राजेश भाई से कि ज्वाला स्वरूप अवस्था क्या होती है और हमारे पुरुषार्थ इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो राजेश भाई जी का ज्यादा समय न लेते हुए अभी हम राजेश भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वैसे आपके लिए तो गुड इवनिंग भी है और गुड मॉर्निंग भी है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये जो संगम युग है ये इस सृष्टि चक्र की मॉर्निंग है, अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो हम सभी बच्चे अमृत वेले क्या करते हैं, बाबा के योग में, बाबा को योग लगाते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब बाबा अमृत वेले विश्व का चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं तो बाबा देखते हैं कि बच्चे योग में बैठे हैं, मेजोरिटी बच्चे अमृत वेले योग में बैठे हैं, आत्मिक स्वरूप में भी स्थित है, बाबा से शक्तियां भी ले रहे हैं, बाबा से स्नेह से बातें भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आवश्यकता है शक्तिशाली योग की, क्योंकि बाबा कहते हैं कि नाजुक समय आने वाला है जो हम देख भी रहे हैं कि आ चुका है, हम देख रहे हैं। तो बाहर हम क्या देखते हैं कि विकारों की अग्नि है पूरे विश्व में, दुख अशांति है, आत्माएं निर्बल हो चुकी है। तो उन्हें हमें शक्ति देने के लिए हमें खुद को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। बाहर जो विकारों की आग है, दुख अशांति है, उसे मिटाने के लिए हमें खुद ज्वाला स्वरूप बनना पड़ेगा। तो ज्वाला स्वरूप योग अर्थात शक्तिशाली योग, पावरफुल योग, लाइट माइट स्वरूप योग, या फिर बीज रूप स्थिति में स्थित होकर जो हमारी सबसे पावरफुल अवस्था बनती है वो योग। तो शक्तिशाली योग अर्थात देखिए, हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर भी देखें तो अगर हमारे पहचान का कोई एक लड़का है, कोई बच्चा है छोटा जो हमारा नोन है, लेकिन वो कुछ गलती कर रहा है या फिर गलत रास्ते पर जा रहा है, तो हम उसे समझाते हैं, हमें लगता है कि वो बच्चा सुधरना चाहिए। ये इंटेंसिटी। और दूसरी, एक माँ है, उसका खुद का अपना बच्चा है ना, ब्लड रिलेशन वाला बच्चा है, तो वो भी अगर कुछ गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उस माँ की फीलिंग, वो इंटेंसिटी ना, क्योंकि इतना स्नेह है बच्चे से कि बहुत इंटेंस भावना उत्पन्न हो रही है, और स्नेह भी है और उस बच्चे को परिवर्तन करने के लिए वो शक्ति स्वरूप भी बनी है, पावरफुल भी बनी है। तो अगर हम इसी तरह, इसी इंटेंसिटी से, इसी स्नेह से बाबा की याद करते हैं और खुद शक्तिशाली बनकर, पावरफुल बनकर जो विश्व की आत्माएं हैं उन्हें भी हम शक्ति से भरपूर करते हैं, उन्हें शक्ति देते हैं, निर्बल आत्माओं को बलवान बनाते हैं, तो यही शक्ति स्वरूप योग है और ज्वाला स्वरूप योग है। तो हम ज्वाला स्वरूप क्यों कहते हैं, क्योंकि योग से अग्नि उत्पन्न होती है, स्थूल अग्नि नहीं। हम तो देखते हैं ना कि अगर हमें अगर किसी चीज को परिवर्तन करना है, फॉर एग्जाम्पल सोने में बहुत
अशुद्धि है, अलॉय है, मिक्सचर है, तो क्या करते हैं, उस सोने को अग्नि में डालते हैं, उसको तपाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अशुद्धि है, अलॉय है, मिक्सचर है, वो सेपरेट हो जाता है, और जो प्योर गोल्ड है वो अलग हो जाता है। तो उसी तरह द्वापर और कलयुग से हम आत्माओं में जो अवगुण अर्थात अशुद्धि, अपवित्रता, उसकी एंट्री हुई है, तो उसे अगर हमें मिटाना है तो हमें इंटेंस तपस्या, पावरफुल, शक्तिशाली योग करना होगा। तो उस शक्ति से ही ये जो भी अशुद्धि है वो मिट जाए और हम आत्माएं फिर से पावरफुल, पावन और पवित्र बन जाए। हम देखते हैं ना कि स्थूल रूप में भी, हम कहते हैं ना कि योग भट्टी, तो क्यों, क्योंकि स्थूल रूप में आप देखते हैं कि जो पहले के जमाने में ईंटें बनती थी वो एक गीली मिट्टी सांचे में डालते थे और उसे अग्नि की भट्टी में डाल देते थे, तो जो ईंट है वो बहुत ही पावरफुल में शक्तिशाली में स्ट्रांग, जो मिट्टी के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग बनती थी। तो उसी तरह अगर हम योग भट्टी में अर्थात बाबा से लिंक लगाकर शक्तियां लेते हैं, खुद को शक्तिशाली बनाते हैं, तो हम भी ज्वाला स्वरूप योगी बन जाते हैं, शक्तिशाली योगी बन जाते हैं। और भी एक बात है कि अगर अग्नि में कोई बीज है उसे डाल दिया जाता है, तो क्या वो उस बीज से फल निकलेगा? नहीं, बीज जल जाएगा, तो उससे फल निकलने की संभावना ही नहीं है। तो इसी तरह हम आत्माओं में भी अभी सूक्ष्म जो विकारों के बीज पड़े हैं, जो भी सूक्ष्म बीज भी अभी भी बाकी है, तपस्या के बाद भी है ना, योग के बाद भी अभी भी बाकी है, अगर उन्हें मिटाना है, विकारों के बीज को, तमोगुणों के जो बीज है हम आत्माओं में पड़े हुए, अगर उन्हें हमें जलाना है, मिटाना है, समाप्त करना है, तो फिर हमें ज्वाला स्वरूप तपस्या की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अगर हम पावरफुल बनते हैं, हम शक्तिशाली बनते हैं, तो हम ज्वाला स्वरूप बनते हैं, तो जो विश्व की आत्माओं में जो भी तमोगुण है, विकार है, उन्हें भी हम भस्म कर सकते हैं और अपनी शक्तियों से उन्हें भी शक्तिशाली बना सकते हैं। मेडिकल साइंस में भी हम देखते हैं कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसे कैंसर होता है, एक जगह कैंसर होता है, तो अगर उसे मिटाना है तो उसे पावरफुल रेज देते हैं, जिसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं ना, फोकस्ड एक रेज देते हैं और उन्हें जलाते हैं, तो कैंसर खत्म हो जाता है। उसी तरह बाबा की जो शक्तियां हैं उनका फोकस अगर हम स्वयं पर लेते हैं, तो जो भी है ना अवगुण है, तमोगुण है, विकार है, वो भस्म हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं। तो इस तरह से हम ज्वाला स्वरूप योग तपस्या करेंगे तो खुद भी शक्तिशाली बनेंगे और औरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बाहर जो है ना विकारों की अग्नि है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, तो ये मिटेगा कैसे, तो अपनी शक्तियों से। और भी एक बात है कि अगर हम जितना हम ज्वाला स्वरूप बनेंगे, बाबा कहते हैं कि जितना आप बच्चे ज्वाला स्वरूप बनेंगे उतने ही बाहर विश्व में विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी। विनाश किसके लिए रुका है, तो हम बच्चों के लिए रुका है। जितना हम ज्वाला स्वरूप बनेंगे तो बाहर भी विनाश ज्वाला भड़केगी, क्योंकि जो भी विनाश के लिए निमित्त आत्माएं हैं, तो
उनका जो आधार है हमारे संकल्प है। जितने हमारे संकल्प पावरफुल उतनी ही विनाश की गति भी फास्ट होती है और फिर विश्व परिवर्तन होगा। इसके लिए हमें अब सामान्य योग नहीं, वो तो हम करते ही है, लेकिन अब हमें ज्वाला स्वरूप योग की आवश्यकता है। तो अगर हमें ज्वाला स्वरूप तपस्या करनी है तो उसके लिए दो बातें हैं। एक तो हमें पावरफुल स्थिति बनानी होगी हमारी, और सेकंड है विधि। योग्य विधि से अगर हम योग करते हैं तो, और हमारी स्थिति पावरफुल है तो हमें इस तपस्या में सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। क्योंकि अगर हमें विधि पता है लेकिन हमारी स्थिति उतनी पावरफुल नहीं है, स्थिति बनी ही नहीं है, तो क्या फिर हमें सफलता मिलेगी? हमारा योग इफेक्टिव नहीं होगा। तो एक है विधि और दूसरा है स्थिति, दोनों हमें चाहिए। तो इस पावरफुल तपस्या स्वरूप, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए बाबा कहते हैं कि आपको सारथी और साक्षी स्थिति बनानी। सबसे पहले सारथी और साक्षी स्थिति। तो सारथी स्थिति तो हमने लास्ट सेशन में हमने देखी कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ का सारथी हूं, मैं इस शरीर को चला रहा हूं, ये मेरा रथ है, मैं इससे अलग हूं लेकिन इसको मैं कंट्रोल करने वाला, सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मैं सारथी आत्मा हूं। तो चलते फिरते हमें यह अभ्यास करना है कि सभी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। अगर हम ये अभ्यास करेंगे तो शरीर पर भी और सभी कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल आएगा। तो हम कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होंगे, शरीर के अधीन नहीं होंगे, और हम देहभान को भूलते जाएंगे। तो सबसे पहला है कि सारथी स्थिति, फिर सेकंड है साक्षी, है ना, साक्षी स्थिति। तो साक्षी अवस्था मीन्स क्या? तो जो कुछ भी हो रहा है उसे हमें न्यारा होकर देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसमें हमें फंसना नहीं है। हम कर्म व्यवहार में आते हैं तो किसी आत्मा का है ना कैसा व्यवहार होता है, हम क्या कहते हैं इसने ये बोला, ये कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने मुझे क्यों बोला, लेकिन हम ये समझे कि ये उस आत्मा का पार्ट है, ड्रामा में उस आत्मा का यही पार्ट है, लेकिन वो भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन हम साक्षी बन जाए। अभी देखिए बाबा हमें इतना समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन समझ कर भी अगर कोई आत्मा इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसके संस्कारों के वश है, बाबा बार बार समझा रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी उन्नति नहीं हो रही है, तो बाबा क्या करते हैं? बाबा फिर साक्षी हो जाते हैं कि ये आत्मा और उसके कर्म। तो बाबा हमेशा आत्माओं के तरफ भी और जो भी घट रहा है ना, जो भी इस सृष्टि चक्र में हो रहा है, उसे भी साक्षी होकर देखते हैं। तो उसी तरह हमें भी हर आत्मा को एक साइलेंट ऑब्जर्वर, है ना, थर्ड पर्सन होके देखना है कि इसका यही रोल है। दूसरी बात है कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसमें भी हमें अनस्टेबल नहीं होना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है और डिस्टर्ब नहीं हो जाना है हमें। देखिए हम जब कोई भी एक मूवी देखते हैं या फिर नाटक देखते हैं तो कोई सिचुएशन आती है तो क्या हम उठकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था,
ये कब तक होगा? नहीं, अगर सिचुएशन भी और कोई व्यक्ति भी, अगर कोई विलन है बहुत ही बुरा काम कर रहा है उस ड्रामा में, तो क्या हम उठकर खड़े हो जाते हैं? नहीं, हम उसका रोल साइलेंटली देखते हैं, उस मूवी के मजे लेते हैं, उस जो भी हम सीन देख रहे हैं, सिचुएशन है, जो भी घट रहा है उसका हम आनंद लेते हैं। तो उसी तरह हमें भी लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, जो भी परिस्थितियां आए, हमें साक्षी होकर देखना है। जब हम साक्षी होकर देखते हैं, न्यारा होकर देखते हैं, तब वो परिस्थिति आती है और समय अनुसार हमारी शक्तिशाली स्थिति देखकर चली भी जाती है। तो क्या, लेकिन ये हम जब ना प्रैक्टिकल हम जब कर्म व्यवहार में आते हैं तो कितना इजी लगता है हमें। कोई आत्मा बार बार आपको तकलीफ दे रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या हमारी तब ये साक्षी स्थिति रह पाती है? या फिर जब भी हमारे लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तब क्या हमारी स्थिति वैसी रह पाती है? हम थोड़े से कभी कभी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, फिर भी हमें ज्ञान है ड्रामा का, तो हम बाकी कंपैरिजन में जो विश्व की आत्माएं हैं उनके कंपैरिजन में हम बहुत ही जल्दी हम स्टेबल हो जाते हैं, हम साक्षी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम जब हमारे लाइफ में जब ऐसा कुछ घटता है तो हम थोड़ा सा उसमें अनस्टेबल हो सकते हैं, या फिर हमारी जो साक्षी अवस्था है वो डगमग हो सकती है। तो इसके लिए बाबा ने एक बहुत ही अच्छा मंत्र हमें दिया है कि सब कुछ करते हुए, सब कुछ देखते हुए आप साक्षी कैसे रहे। तो वो है कि अब घर जाना है और सबको ले जाना है साथ में। अगर ये मंत्र, अगर ये स्लोगन हम सदा याद रखें तो फिर इजी है कि हम साक्षी बन जाए, क्योंकि हमें स्मृति में रहेगा हमेशा कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, हमें अब वापस परम धाम घर जाना है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को टर्मिनल इलनेस है, हम ये रूटीनली देखते हैं हॉस्पिटल्स में, अगर उसे ऐसा कोई असाध्य रोग है, बीमारी है, जो उसे पता है कि वो कुछ समय के बाद जाने वाला है, इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है, तो उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे जाना है, तो वो हरेक को माफ करना चाहता है और हरेक को माफी भी मांगता है। हमने कितने एग्जाम्पल देखे ऐसे कि जब मिस लाइफ में उसने किसी के साथ भी कुछ भी किया हो तो उसे वो स्मृति में आता है तभी कि मैंने इस व्यक्ति के साथ गलत किया, ये व्यक्ति सही था, इसके लिए उसे वो बुलाकर माफी मांगता है। और उसने खुद ने कुछ गलत किया हो तो भी उसे लगता है कि मैंने बहुत गलत किया, इसके लिए वो उस व्यक्ति से ही माफी मांगता है और वो इस दुनिया से धीरे धीरे डिटैच हो जाता है, व्यक्तियों से भी और जो सामने सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां है, उससे भी, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो जाना है, अभी कुछ भी हो जाए। तो ये जो बाबा ने हमें मंत्र दिया है, अब घर जाना है और सबको ले जाना है, ये हमें स्मृति में रखना है। जो भी पुराने भाई बहने हैं उन्हें पता होगा कि दीदी मनमोहिनी जी, जिसे की दीदी की पालना तो मुझे ही मिली है बचपन से, तो वो हमेशा कहते थे कि अब घर जाना है। तो ये स्लोगन भी हम हमेशा स्मृति में रखें, बोलने की बात नहीं है, माइंड में स्मृति रहे कि अब जाना है, तो हमारी साक्षी अवस्था बन जाएगी। और अगर हम साक्षी बनते हैं, इस दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, परे हो जाते, तो फिर ऑटोमेटिकली
इस दुनिया से परे रहने वाले बाबा के साथ में हमारा संबंध जुट जाता है, क्लोजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है हमारी, अगर हम इस देह से भी न्यारे और इस दुनिया से भी न्यारे बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम बाबा के साथी बन जाते हैं, बाबा हमारा साथी और हम बाबा के साथी। तो बाबा का साथ का अनुभव करने के लिए ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि इस दुनिया से आप डिटैच हो जाओ। तो सारथी साक्षी स्थिति से हम बाबा के साथी बन जाते हैं। और अगर ऑलमाइटी बाबा है ना, सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है तो फिर हमारी अवस्था कैसी होगी, ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बन जाएगी। क्लोजनेस है ना बाबा के साथ, तो बाबा की शक्तियां ऑटोमेटिकली हमें ट्रांसफर हो जाएगी और हम शक्तिशाली बन जाएंगे, हम ज्वाला स्वरूप बन जाएंगे, हम आत्माओं से ज्वाला स्वरूप जो है वो ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। ये जो हम ज्वाला स्वरूप बात करते हैं ना, तो हमेशा ये जो है एक इंटेंसिटी के लिए कहते हैं, है ना, ना कि फिजिकल हमें है ना मस्तक पर या फिर आंखों में ज्वाला दिखाई देगी, नहीं, शक्ति दिखाई देगी। तो उसका रूप हम दिखाते हैं ना, शक्ति रूप जो दिखाते हैं ज्वाला के रूप में दिखाते हैं। तो हम ज्वाला स्वरूप तपस्या इस तरह से करेंगे तो हम ज्वाला स्वरूप तपस्वी बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। और एक बात है कि हम सब कुछ करते हुए जो हम जो भी कर रहे हैं धन कर्म व्यवहार में, जो भी हमारा जॉब है, लौकिक अलौकिक कर्म जो भी करते हैं हम, तो हम विस्तार में आ जाते हैं, हमारी बुद्धि विस्तार में आ जाती है, हम उसमें अटक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विस्तार में रहकर भी आपको सार स्वरूप रहना है। कैसे? कि खाते पीते उठते बैठते जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें सार स्वरूप ना बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाना है। जो भी हम कर रहे हैं तो हमें सेकंड में उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, अर्थात विस्तार में रहते हुए सार स्वरूप स्थिति। तो इस तरह से अगर हम सार स्वरूप बनते हैं तो हमारी अवस्था जो है वो ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बनती है। लेकिन उस समय मन, बुद्धि और दिल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिल का स्नेह हो, अंदर से स्नेह हो। क्या होता है कि हम तो योग करते हैं, है ना, हम नियम अनुसार योग करते भी है, कर्म योगी बनकर भी हम योग करते हैं, हमारी मन बुद्धि बाबा से लगाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मन, बुद्धि और सबसे इंपॉर्टेंट है दिल। दिल अर्थात अंदर से, उस इंटेंसिटी से, उस प्यार से, उस स्नेह से बाबा को याद करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको माँ का, वैसे ही उस इंटेंसिटी से, उस स्नेह से हम बाबा से जुड़े, तब हमारी अवस्था जो है वो पावरफुल बनेगी। तो विस्तार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए सार स्वरूप स्थिति, ये कब बनेगी हमारी? जब हमारी प्रैक्टिस होगी बिंदु स्वरूप, बिंदु रूप बनने की, बीच बीच में सभी बातों पर जो कुछ भी संकल्प हमारे चल रहे हैं उस पर फुल स्टॉप, अपनी कंट्रोलिंग पावर इतनी हो कि जैसे भी हमारे मन में संकल्प है एक सेकंड में कंट्रोल किया और बिंदु बन गए, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, शांत स्वरूप। तो इसमें भी दो बातें हैं, एक तो है कि हम इस दुनिया में हैं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं बिंदु हूं, सब कुछ समेट कर मैं अपने भ्रुकुटी में बैठा हूं, ये प्रैक्टिस। और दूसरा, मैं परम धाम निवासी बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। हम स्थूल रूप से यहां है
लेकिन मन बुद्धि हमारी परम धाम में है। तो पॉइंट ऑफ लाइट बनकर हम परम धाम में बैठ जाए। तो अगर हम इस तरह से हमारी बिंदु रूप स्थिति बना लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बिंदु रूप स्थिति जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल स्टेज है। जैसे ही हम देह से डिटैच हो गए, बिंदु बन गए, ऑटोमेटिकली शक्ति भर जाती है हमें। तो इसके लिए बाबा ने है ना बहुत सहज एक युक्ति बताई है ना, ट्रैफिक कंट्रोल की। जो नियम है हमारा, ये क्यों है ट्रैफिक कंट्रोल का, इसके लिए है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, शारीरिक तौर पर भी और माइंड भी, दोनों भी कुछ समय के लिए स्टॉप। जैसे हम देखते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल पर, अगर सिग्नल नहीं है तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी गाड़ियां जो है ना, कार जो गाड़ियां है वो एक साथ आ जाएगी और पूरा केवस होगा और हमें बहुत समय लगेगा आगे जाने के, डिस्टर्बेंस भी होगा यहाँ पे। तो उसी तरह हम जो भी कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, उसे स्टॉप करके, भले आप 3 मिनट के लिए कीजिए, 1 मिनट के लिए कीजिए, जितना आपको समय मिलता है, 5 सेकंड के लिए कीजिए, 1 सेकंड के लिए कीजिए, लेकिन 1 मिनट मुझे लगता है ये सबके लिए इजी है कि हम कर सकते हैं। तो बीच बीच में हमें स्टॉप कर देना है सब कुछ और हमारी बिंदु रूप स्थिति बनानी है। तो इस तरह से अगर हम योग युक्त रहते हैं कर्म करते हुए भी, तो फिर हमारी पावरफुल अवस्था धीरे धीरे बनने लगती है। और एक बात है कि बहुत समय हमारा कभी कभी व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं। अगर हम ना चाहो तो भी हमारे व्यर्थ संकल्प जो है वो चलते हैं। इसके कारण क्या होता है, फिर हमने शक्तिशाली स्थिति बनाई और फिर व्यर्थ चला तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। जितना हमने कमाया है उतना से हम गवा भी रहे हैं, तो हमारी जो पावर है, शक्ति है, वो कम भी हो रही है। तो फिर क्या हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। व्यर्थ क्यों चलते हैं, क्योंकि एक तो पास्ट की बातें बहुत चलती है हमारे इसमें कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए था, शायद मैं ये नहीं करता तो ये नहीं होता, या फिर कोई व्यक्ति इसने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा नहीं करता तो तब मेरी शक्तिशाली अवस्था रहती, अभी इसने ये किया इसके लिए मैं डिस्टर्ब हो गया, या फिर जो भी सिचुएशन आए लाइफ में, क्योंकि हर एक केस में है ना सिचुएशन आते हैं। हमारा जो जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें भी आते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी हेल्थ है, फाइनेंशियल है, तो सिचुएशन तो आएगी, लेकिन ये सब कुछ हमें करते हुए हमारी अवस्था हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो इस तरह से अगर हम अभ्यास करते हैं तो फिर धीरे धीरे हम योगी प्रयोगी भी, तपस्वी भी, और फिर ज्वाला स्वरूप योगी भी हम बन जाते हैं। और व्यर्थ संकल्प ना खत्म करने के लिए बाबा ने बहुत इजी भी युक्ति एक बताई है, वो है कि बस आपको बाबा, बाबा की याद और सेवा। फिर भी अगर है ना हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प आ ही रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, तो हमें सेवा में व्यस्त हो जाना है। एक तो बाबा की याद, हर समय हमें बाबा दिखे, बाबा और सेवा। तो अगर हम सेवा में खुद को व्यस्त रखते हैं तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम बिजी है ना, तो दिन भर हमें बिजी रखना है। एक है कि बाबा की सेवा, दूसरा है याद। तो इस डबल लॉक को अगर हम यूज करते हैं
तो फिर माया फिर या फिर व्यर्थ ये माइंड में आएगा ही नहीं, और फिर हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होगी ही नहीं, और हमारी जो स्थिति है वो पावरफुल बन जाएगी, ज्वाला स्वरूप बन जाएगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाबा कहते हैं कि अगर हमें ज्वाला स्वरूप तपस्वी बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण पवित्रता की धारणा हमारी चाहिए। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनकी तो पवित्रता की धारणा है ही, है ना। तो इसके लिए तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं, इसके लिए हम बाबा के बने भी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसमें भी दो बातें, सूक्ष्म बातें, कि एक है हमारी दृष्टि, हमारी दृष्टि हमेशा आत्मिक हो। हम करना भी चाहते हैं, हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना भी चाहते हैं, लेकिन है ना, कर्म व्यवहार में आते हमारी दृष्टि जो है वो दैहिक हो जाती है। पवित्रता की धारणा में ये बहुत सूक्ष्म बात है, हम सबकी बनी भी होगी आत्मिक, लेकिन बीच बीच में दैहिक हो जाती है। तो हमें उसे आत्मिक स्वरूप का अभ्यास हमें सदा करना है। और दूसरी बात है जो मैंने कहा पहले भी, कि व्यर्थ संकल्प, बाबा कहते हैं कि व्यर्थ भी अपवित्रता का अंश है। तो हम बहुत समय सुनते बाबा की बातें ना मुरली में, कि व्यर्थ भी अपवित्रता का अंश है। तो मैं सोचता था पहले कि ये कैसे बाबा कहते हैं, कि मैं कैसे कोरिलेट करूं उसे, कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किया और मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, या फिर कोई परिस्थिति है उसके बारे में जो है ना घट चुका है, उसके बारे में मैं सोच रहा हूं और व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो कैसे ये अपवित्रता कैसे हो गई। तो फिर बाबा की एक मुरली में, अव्यक्त वाणी में पढ़ने में आया, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया है। मैं जो भी बातें आपको कह रहा हूँ ये सब कुछ बाबा ने बताई हुई बातें हैं, उसको थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ बाबा ने बताया हुआ है। तो अगर हम पवित्रता की धारणा में है ना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, लेकिन साथ में व्यर्थ भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा कि हम व्यर्थ मीन्स हमारा टाइम जो है ना, समय हम व्यर्थ गवा रहे हैं, और हमारी एनर्जी दोनों भी, समय और हमारी एनर्जी दोनों हम गवा रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारी जो अवस्था बनने वाली थी उसमें हम लेट हो जाएंगे, हमें समय लगेगा उसमें, क्योंकि हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है और समय भी जा रहा है। तो आखिर में जब हमारी जो संपूर्ण पावन अवस्था है ना, संपूर्ण पवित्र अवस्था हमारी जो बनने वाली होगी, उसमें थोड़ी सी कमी रह जाएगी हमारे, और जो बाकी आत्माएं हैं जिनका व्यर्थ नहीं है वो आगे चली जाएंगे, है ना, हमारे कंपैरिजन में भी, खुद के भी, कि हमारी इतनी बनने वाली थी, फॉर एग्जाम्पल 99%, तो समय गवाया, शक्ति गवाई, इसके लिए हम नीचे आए, तो हमारी रह गई 70%, 80%, और हमसे बाकी जो आत्माएं हैं, क्योंकि वो तो रुकने नहीं वाली, वो तो अपना प्रसाद करने वाली है, वो आगे चली गई, तो वो 90 तक पहुंच गई, हम 70 तक पहुंच गए। जो भी हमारी संपूर्ण पवित्रता की अवस्था है, स्थिति है, उसमें हम थोड़े पीछे रह गए। तो ये एक्चुअली उसके पीछे का कारण है कि बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प है ना, कुछ भी आप व्यर्थ कर्म कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो, वो भी अपवित्रता का अंश है। ये बाबा ने एक्सप्लेनेशन एक मुरली में दिया हुआ है। तो इस तरह से है ना, सब कुछ बाबा ने हमें जो भी बताया हुआ है हमारी पावरफुल स्थिति बनाने के लिए, हम करते हैं तो हमारी जो स्टेज है वो ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगी। और फिर हमने स्थिति तो हमारी पावरफुल बना दी, फिर नेक्स्ट है कि कैसे हम फिर इस ज्वाला स्वरूप योग तपस्या में सफलता या फिर सिद्धि प्राप्त करें। तो उसके लिए है फिर विधि, हमें अच्छी विधि भी पता होनी चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप शक्तिशाली बन गए ना, लाइट माइट स्वरूप बन गए, तो लाइट माइट स्वरूप मीन्स
दोनों बातें हैं। बाबा कहते हैं कि लाइट मीन्स ज्ञान नॉलेज और माइंड मीन्स योग शक्ति। तो ऐसे नहीं है कि है ना कोई कोई आत्माएं कहती है ना कि सिर्फ मैं है ना मुरली पढ़ना मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि या फिर पढ़ते नहीं है ना इतना उन्हें टाइम देना या फिर ये करना उन्हें पॉसिबल नहीं होता फिर वो करते नहीं है उतना। और फिर बोलते कि हम बाबा के योग में है बाबा की याद में है तो क्या पॉसिबल है बाबा कहते नहीं ज्ञान भी और योग भी दोनों चाहिए है ना लाइट और माइंड बाबा इसके लिए भी कहते हैं उसमें प्रकाश भी है ज्ञान का प्रकाश भी और ये प्रकाश भी और माइंड भी शक्ति भी। तो इस तरह से अगर हम लाइट माइंड स्वरूप बनकर हम अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हैं तो अपनी किरणों से अपनी किरणों की प्रखरता से ज्वाला से जो भी संसार में विकारों की आग है तमोगुण है वो भस्म हो जाएगी। तो हम खुद भी पावरफुल बन रहे हैं और औरों को भी हम एक तो शक्ति दे रहे हैं उन्हें अपनी शक्तियों से उन्हें शक्ति दे रहे हैं और सेकंडली हम में जो भी कमियां है कमजोरियां है तमोगुण है उन्हें भी भस्म कर रहे हैं ये एक बात। और सेकंड है कि बाबा कहते हैं ना कि आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो आप भी मास्टर पवित्रता के सूर्य हो बाबा से मां। तो सूर्य क्या करता है सूर्य जो है ना स्थूल सूर्य वो क्या करता है कि उसमें सब कुछ होता है उसके जो किरणें होती है उसमें क्या होता है शक्ति भी होती है हीट भी होती है अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है जो अशुद्धि को खत्म भी करती है और सभी को प्राप्तियों का भी अनुभव कराती है जो भी वनस्पति है प्राणी है मनुष्य प्राणी है उन्हें शक्ति भी मिलती है और वातावरण की जो है वो अशुद्धि भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हम भी मास्टर पवित्रता के सूर्य मास्टर ज्ञान सूर्य बन सभी आत्माओं क्योंकि सूर्य क्या होता है एक जगह होता है ना आसमान में होता है लेकिन पूरे विश्व में हर जगह उसका प्रकाश फैला हुआ होता है कोई भी जगह बाकी नहीं रहती। उसी तरह हम भी इस विश्व के आकाश में मैं पवित्रता का सूर्य हूं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं ऐसी अनुभूति करके ऐसा अनुभव करके हम अपनी किरणें जो है वो चारों ओर फैलाए तो हमारी जो किरणों की प्रखरता से जो अशुद्धि है विकारों की तमोगुणों की वो खत्म हो जाएगी और उन्हें शक्ति भी मिलेगी आत्माओं उन्हें जो निर्बल आत्माएं हैं जिन्हें फेस करने की ताकत नहीं है ये सब कुछ उन्हें शक्ति भी मिल जाएगी। और बात है कि देखिए भक्ति मार्ग में गायन है ना कि देवियों का कि उन्हें भी ज्वाला स्वरूप दिखाते वो क्यों क्योंकि ज्वाला स्वरूप अर्थात शक्ति स्वरूप उतनी पावर उनमें है उतनी शक्ति उनमें है उनके मस्तक पर आंखों में हमें ज्वाला दिखाई देती है। वैसे उनका यादगार तो किसका है हमारा ही यादगार है बाबा कहते हैं कि इस संगम युग में हम ऐसी पावरफुल शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप अवस्था बनाते हैं तो हम में जो हमें देखेगा उसे यही अनुभव होगा कि ये शक्ति स्वरूप है ये शक्ति स्वरूपा है। और फिर इस अग्नि से वहां तो बताया गया है कि असुरों का संहार किया लेकिन वास्तविक ये है कि जो आसुरी शक्तियां हैं उनका उनको नष्ट किया उनको समाप्त किया तो ये एक्चुअली है लेकिन वो यादगार रूप में दिखाया है कि देवियों ने ज्वाला स्वरूप बनकर असुरों का राक्षसों का संहार किया। तो वो भी हम आत्मा ही है जो हमें अभी अनुभव करना है तब हम ज्वाला स्वरूप बन पाएंगे। तो इस तरह से बाबा ने जो भी बातें हमें बताई हुई है एक तो है स्थिति बनाने के लिए और दूसरा है सही विधि से अगर हम योग करते हैं तो फिर हम ज्वाला स्वरूप तपस्वी बन जाते हैं हम शक्तिशाली पावरफुल योगी बन जाते हैं। तो अभी हम अभ्यास करेंगे कि कैसे हमें वो योग करना है एक्चुअल। तो जब हम
ये स्थिति बनाकर योग करते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी जो अवस्था है कितनी शक्तिशाली बनती है। ठीक है, सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। जैसे बाबा कहा ना कि ज्वाला स्वरूप अवस्था माना शक्तिशाली, पावरफुल, लाइट माइट स्वरूप और बीज रूप। बीज रूप अवस्था जो हमारी वो सबसे पावरफुल हमारी स्टेज है, सबसे पावरफुल अवस्था है। तो आज हम उसका भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, अपनी कंट्रोलिंग पावर द्वारा सभी संकल्पों को बिंदु लगाकर स्वयं बिंदु बन जाए। अपना संपूर्ण ध्यान स्वस्वरूप पर एकाग्र, मस्तक पर चमकते ज्योति बिंदु पर एकाग्र, एकाग्रता की शक्ति से अब मन में कोई संकल्प नहीं, मन की चंचलता नहीं, बुद्धि का भटकना नहीं, मन बुद्धि एकदम एकाग्र, स्वस्वरूप में स्थित होने से अब इस देह का भी कोई भान नहीं, मैं तपस्वी हूं, ये देह मेरा नहीं बाबा का है, ईश्वरीय सेवार्थ बाबा की अमानत है, जब ये देह ही मेरा नहीं तो देह के संबंध पदार्थ वस्तु वैभव भी मेरे नहीं, सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी होकर सफल रहा हूं, अब इस देह में, देह की दुनिया में कोई आसक्ति नहीं, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे ये देह की दुनिया है ही नहीं, अनुभव करेंगे
जैसे ये स्थूल दुनिया देह की दुनिया है ही नहीं, ये देह भी जैसे वैनिश हो गया है, लुप्त हो गया है, शेष रह गया मैं ज्योति बिंदु। बस एक बिंदु, अब बिंदु बनकर उड़ चले अपने घर परम धाम। अनुभव करे मैं ज्योति बिंदु आत्मा, एक पावरफुल रॉकेट के समान उड़ते हुए परम धाम की ओर जा रहा हूं। बादलों को चीरते हुए सूर्य चांद सितारों की दुनिया अंतरिक्ष को भी पार करते हुए सूक्ष्म वतन से भी पार जाते हुए मैं पहुंच गया परम धाम। ये ब्रह्म महत्तत्व है, ब्रह्मांड है, यहां चारों ओर गोल्डन रेड लाइट है। अनंत तक फैला हुआ सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश, देखेंगे स्वयं को इस परम आकाश में सुनहरे लाल प्रकाश के बीच चमकता हुआ। मैं एक सितारा हूं, ज्योति बिंदु हूं, मेरे इस स्वरूप में कितनी शांति है। मैं एक ज्योति बिंदु हूं, मन बुद्धि संस्कार एक बिंदु में मर्ज, बस एक बिंदु, संकल्प स्मृतियां सब एक बिंदु में समाये हुए। बीज रूप स्थिति
ये कितनी पावरफुल अवस्था है। मैं आत्मा परमधाम में बीज रूप स्थिति में स्थित हूं। साथ में है इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज शिव परमात्मा, मेरे प्यारे शिव बाबा। इस बीज में ही कल्प वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। दिव्य गुण शक्तियां सब कुछ इस बीज में समाया है। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा और सामने बीज रूप शिव बाबा, बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें पूरे परम धाम में फैली हुई है। बाबा की शक्तिशाली किरणें अब मुझ आत्मा पर आ रही है। बाबा की शक्तियों से मुझे असीम बल प्राप्त हो रहा है। बाबा की किरणों ने अब ज्वाला स्वरूप धारण कर लिया है। इस योग अग्नि से, ज्वाला से मुझ आत्मा में पड़े पुराने संस्कारों के बीज चलकर भस्म हो रहे हैं। आत्मा में जो भी विकारों के अंश है वो भी चलकर दग्ध हो रहे हैं। समाप्त हो रहे हैं। बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणों से विकर्म विनाश हो रहे हैं।
योग अग्नि में तप कर मैं आत्मा अब रियल गोल्ड के समान चमकने लगा। अब मैं आत्मा बाबा के और समीप जाकर बाबा से कंबाइंड हो जाता हूं। बीज रूप शिव बाबा और मैं मास्टर बीज रूप आत्मा दोनों कंबाइंड। ये कितनी पावरफुल स्टेज है। बाबा से कंबाइंड होकर बाबा के सभी गुण और शक्तियां स्वयं में ट्रांसफर करके मैं बाप समान बन गया हूं। योग अग्नि में तप कर मैं ज्वाला स्वरूप बन गया हूं। बीज रूप बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें अब ज्वाला स्वरूप बनकर विश्व में जो भी अशुद्धि है, विकारों की अग्नि है, तमोगुण है, उसे समाप्त करना है। विश्व की सभी आत्माओं को अपनी शक्तियों द्वारा बल देकर शक्तिशाली बनाना है, उन्हें दुख अशांति से मुक्त करना है। बाबा की आज्ञा अनुसार मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम से नीचे उतरकर पहुंच जाता हूं साकार वतन। देखेंगे अपने आप को, मैं चाल वाला स्वरूप तपस्वी हूं। मेरे मस्तक पर और नैनों में ज्वाला है, आग ही आग है, शक्ति है। मैं लाइट माइट स्वरूप हूं। मैं ज्वाला स्वरूप तपस्वी हूं।
अब अपने बुद्धि रूपी दिव्य दूरदर्शन पर देखेंगे पूरे विश्व को। विश्व में चारों ओर विकारों की अग्नि है, पापाचार भ्रष्टाचार है, घर घर में हर एक व्यक्ति के मन में विकार रूपी रावण बसा है। मुझे अपनी ज्वाला स्वरूप अवस्था द्वारा, ज्वाला स्वरूप किरणों द्वारा विकारों को, तमोगुणों को नष्ट करना है। अपनी शक्तियों से सभी आत्माओं में शक्ति भरनी है। अब देखेंगे अपना लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप, ज्ञान स्वरूप भी तो शक्ति स्वरूप भी। अनुभव करेंगे मुझ आत्मा से निकलती लाइट माइट की किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। मैं अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा विश्व की आत्माओं को शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। निर्बल आत्माओं में बल भर रहा हूं। इन लाइट माइट की किरणों द्वारा विश्व की आत्माओं में जो भी विकार है, अवगुण है, वे जलकर भस्म हो रहे हैं। अब फिर से देखेंगे अपना ज्वाला स्वरूप, अनुभव करेंगे मैं चैतन्य जागृत ज्वालामुखी हूं। मुझसे निकलता सर्वशक्तियों का लावा विश्व में चारों ओर फैल रहा है।
जो भी इसके संपर्क में आ रहा है उस आत्मा में जो भी अवगुण है, तमोगुण है, वे दग्ध हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इस सर्व शक्तियों रूपी लावे से प्रकृति के तमोगुण भी जलकर भस्म हो रहे हैं। प्रकृति का भी शुद्धिकरण हो रहा है। अब देखेंगे स्वयं को मास्टर पवित्रता के सूर्य के रूप में। मैं पवित्रता का सूर्य बनकर विश्व के आकाश में चमक रहा हूं। मेरी पवित्रता की किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। पवित्रता का प्रकाश पूरे विश्व पर छाया हुआ है। अनुभव करेंगे मेरे किरणों ने अब ज्वाला स्वरूप धारण कर लिया है। इस ज्वाला से आत्माओं के मन में जो विकार रूपी रावण है वो जलकर भस्म हो रहा है। पवित्रता की शक्ति से संसार में जो भी अपवित्रता है समाप्त हो रही है। मेरी पवित्रता की किरणें हर आत्मा तक पहुंचकर उनमें शक्ति भर रही है। आत्माएं फिर से शक्तिशाली बन रही है। निर्बल आत्माओं को बल प्रदान हो रहा है।
अब पहुंच जाए एक ऊंची पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर स्थित देवी के मंदिर में देखे अपना ही स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूपा हूं, मेरे मस्तक पर और नैनों में ज्वाला है, मुझसे निकलती ज्वाला से संसार में जो भी आसुरी प्रवृत्ति है उनका सर्वनाश हो रहा है। आत्माओं में जो भी आसुरी गुण है, वृत्ति प्रवृत्ति है, सभी जलकर भस्म हो रहे हैं। फिर से पहुंच जाए विश्व के आकाश में, मैं ज्वाला स्वरूप तपस्वी एक तरफ देख रहा हूं, मेरी तपस्या से विश्व में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, हम सभी ब्राह्मणों की संगठित रूप की तपस्या से विनाश ज्वाला भड़क रही है, एक तरफ विनाश का दृश्य तो दूसरी तरफ नई सृष्टि की स्थापना का दृश्य, देखेंगे उस दैवी सृष्टि को, संपूर्ण सत्व प्रधान प्रकृति चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, सुखदायी प्रकृति, वो दैवी संस्कृति संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न देवात्माएं सोने के महल हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ तो है यहां,
ये हमारी तो ज्वाला स्वरूप तपस्या का फल है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।